हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप एक पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे गाइस, जहां पर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, रिमोटली काम कर सकते हो, अपने घर से काम कर सकते हो। और गाइस यहां पर अगर हम सैलरी की बात करें, यहां पर आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो गाइस यहां पर हम बात कर रहे हैं बायजूस कंपनी की। तो गाइस यहां पर बायजूस कंपनी में आप एज ए ट्यूटर काम कर सकते हो। यहां पर आपको स्टूडेंट्स को गाइस पढ़ाना होगा, यहां पर उनकी ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी होगी। और गाइस अगर हम यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करें इस जॉब के लिए, तो गाइस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो गाइज यहां पर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो गाइज हम इस जॉब के बारे में डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन बायजूस एज ए रिमोट पार्ट टाइम एकेडमिक स्पेशलिस्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एजुकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड वी आर मेकिंग मिलियंस फॉल इन लव विद लर्निंग। प्लीज गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड बिलो। ओके गाइज वी विल शेड्यूल योर इंटरव्यू प्रोसेस आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड आउट। तो गाइज जैसे ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड वंस वी रिसीव योर रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपको ग्रेड्स 4 to 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहने वाली है और जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं उनको आपको गाइस क्लियर करना होगा। अवॉइडिंग एरर फ्री स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनका गाइस आपको यहां पर सॉल्यूशन देना होगा स्टेप बाय स्टेप। और गाइस यहां पर लिखा है मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 24 सेशंस पर वीक एंड मैंडेटरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियॉन्ड टेकिंग सेशंस फॉर अप टू 12 आवर्स पर वीक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड पेरेंट टीचर मीटिंग, होमवर्क करेक्शन, पीयर रिव्यूज, पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग एंड मंथली टेस्ट। तो गाइस यहाँ पर मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होंगे। उसके बाद एन आइडियल कैंडिडेट शुड, तो गाइस यहाँ पर आपको पैशन होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, उसके बाद हैव अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज इन मैथ्स साइंस फॉर ग्रेड्स 4 to 10। मैथ्स और साइंस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ग्रेड 4 से 10 तक की। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल और रिटन दोनों। ठीक है, और कैमरा फेसिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और फ्रेशर्स एज वेल एज कैंडिडेट्स विद प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस। तो गाइज अगर आप फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस है एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ 25,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी ओनली बिटवीन 3 PM to 9 PM नीडेड, और यहाँ पर आपको 1 week ऑफ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आप अच्छे से हर चीज़ पढ़ सकते हो। और गाइज यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन मेरिट एंड डिमांड हैव पोटेंशियल टू कन्वर्ट एज फुल टाइम एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन डिमांड। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको फुल टाइम भी कर दिया जा सकता है। उसके बाद लोकेशन ऑल क्लासेस आर ऑनलाइन। तो गाइज यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी होगी। एलिजिबिलिटी में गाइज इन्होंने लिखा है अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड इन साइंस और मैथ्स फील्ड। ठीक है, उसके बाद वर्क लोकेशन वर्क फ्रॉम होम। अप्लाई फॉर जॉब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सभी चीज़ लिखी है, ब्रिंग आउट द टीचर इन यू। ठीक है, अकेडमिक सर्विस पार्टनर ट्यूटर पार्ट टाइम, और यहाँ पर मस्ट हैव यूजी पीजी इन साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड, शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। और वर्क टाइमिंग्स हम बता चुके हैं, सैलरी भी बता चुके हैं। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे आपका ईमेल आएगा, आपको अपना नेम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करें गाइज यहाँ पर बीएससी एमएससी अगर आपने किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी या एमएससी। ठीक है, उसके अलावा बीई बीटेक एमई एमटेक इनमें से कोई भी किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं, बीए एमए वाले कर सकते हैं, बी फार्म एम फार्म, ठीक है, एमफिल पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम में भी किया हुआ है तब भी यहाँ पर आप अदर
पर जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, अगर गाइज यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है ठीक है जितने भी ईयर्स का वो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो गाइज यहाँ पर 0 to 2 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस फ्लुएंट इन अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आपके पास जो भी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे, जैसे कि हिंदी ठीक है, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म गाइज सबमिट हो जाएगा। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको इस जॉब अपडेट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।